के साथ गुजरात दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। गुजरात सचिवालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। गुजरात से आ रही ये बड़ी खबर, गुजरात सचिवालय में आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। गुजरात दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। जी कैलाश, आज गुजरात के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जरा बताएं कि कब रवाना होने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी इस दौरे के लिए और वापस कब लौटेंगे और क्या खास रहेगा इस दौरे के दौरान? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से गुजरात में प्रचंड से भाजपा को जो है इस बार जीत मिली है, उसको लेकर आज जो है सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि पुष्कर धामी इस वक्त अभी देहरादून की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली से फिर गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर सायंकाल दिल्ली उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वापस लौटेंगे और आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का उत्तराखंड सदन दिल्ली में होना है। उसके बाद कल का प्रोग्राम मुख्यमंत्री का आई थिंक ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड लौटने का होगा, क्योंकि कल का प्रोग्राम अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आज गुजरात दौरे पर रहेंगे तो आज कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री यहां से शासकीय कार्य निपटाने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री को गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहना है। मौजूद रहने के बाद फिर देर शाम मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्तराखंड सदन लौटना है। सदन लौटने के बाद रात्रि विश्राम का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का दिल्ली में ही आज रहने वाला है। और इस दौरे में कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहने वाले हैं और गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी कला जो है सामने आ पा रही है? देखिये, जिस प्रकार से गुजरात में प्रचंड बहुमत की सरकार लगातार बनती हुई आई है भाजपा की, और इस बार भी जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी उससे कई गुना ज्यादा उम्मीदों के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री सभी जो है वहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तमाम जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो होगा उसमें सम्मिलित रहकर उसकी शोभा को बढ़ाने का काम वहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद अपने अपने गंतव्य के लिए वो लोग लौटेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी युवा हैं और लगातार उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी वहाँ पर आज मौजूद रहना है। लगभग ये माना जा रहा है कि दोपहर में यहाँ से जो कार्यक्रम है उससे पहले यहाँ से देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली रवाना होने के बाद वो गुजरात कार्यक्रम में पहुंचेंगे, उसके बाद देर शाम जो है दिल्ली वापस उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम उत्तराखंड सदन में ही उनके द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जैसे तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात में वो भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है गुजरात में नई सरकार का।